नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल OPQ पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 12 की प्रश्नमाला 3 नई NCERT अनुसार, और उसकी पढ़ रहे हैं हम विविध प्रश्नमाला। इससे पहले वाले वीडियो में हमने तीसरे के जितने भी पॉइंट है, ठीक है, वो सारे किए हैं। आज पढ़ेंगे हम विविध प्रश्नमाला 3। तो इस 3 का जो पहला प्रश्न दिया गया है, यदि ए और बी सममित अवयव हैं। सममित अवयव होने का अर्थ है ए बराबर में ए डैश है और बी बराबर में बी डैश। विषमित है तो क्या हो जाएगा, विषम सममित हो जाएगा, तो ए बराबर माइनस ए डैश होगा और बी बराबर होगा माइनस बी डैश होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए विषम सममित अवयव है, मैट्रिक्स है। यानी ए बी माइनस बी ए क्या बताना है, कि विषम सममित मैट्रिक्स बताना है। तो पहले क्या करेंगे, देखो इसका हम पहले दोनों का इसमें क्या निकाल देते हैं, इसका डैश ज्ञात कर लेते हैं। यानी ये हमने डैश ज्ञात कर लिया। देखो इसका बताना क्या है, ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित मैट्रिक्स है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनका परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात कर लेते हैं, ए डैश ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो इसका हम हल करेंगे, ये आ जाएगा देखो ए बी डैश माइनस आ जाएगा बी ए डैश। ठीक है, क्योंकि ऐसा किस कारण होता है, देखो हमने पहले पढ़ा है कि a प्लस बी डैश किसके बराबर होता है, देखो a प्लस बी डैश किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। तो यहां पर भी हमने क्या कर लिए, इनके अलग अलग डैश ज्ञात कर लिए हैं। अब एक बात ध्यान रखेंगे, देखो जो ए बी डैश है ना वो किसके बराबर होता है, देखो ये ए बी डैश है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डैश ए डैश के, यानी पहले बी वाला बाद में ए वाला, तो यहाँ इसका मान आ जाएगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश और बी डैश। अब यहां देख सकते हैं ए और बी, देख सकते हैं ए डैश ए के बराबर है और बी डैश किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो यहां में आ जाएगा बी ए माइनस ए बी आ जाएगा। ये ऊपर लिखा है देखो बी डैश बी के बराबर है, ए डैश ए, यानी यहाँ आ जाएगा बी ए माइनस ए बी, माइनस सिर्फ कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा ए बी माइनस बी ए। अब देख सकते हैं, अगर आपको ज्ञान होना चाहिए ए बी और ए बी माइनस बी ए इसका डैश किसके बराबर आ रहा है, देखो माइनस के किसके बराबर आ रहा है, माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर आ रहा है। और माइनस अगर आता है तो वो क्या होता है, विषम सममित मैट्रिक्स होती है। तो यहां लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए क्या है, कि विषम सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, सबसे पहले कैसे करेंगे, देखो इसको हमें ए बी माइनस बी ए विषम सममित आपको जांच करनी है, क्या निकालो इसका परिवर्त मैट्रिक्स लोगे, परिवर्त कैसे लिखेंगे इसको, अगर ऐसा दिया इनको अलग अलग डैश निकालेंगे, देखो इनका ए बी का डैश और बी ए का डैश इस प्रकार दिया गया है, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो। उसके बाद में क्या क्या करेंगे, देखो हम अगर ए बी दोनों के डैश दिया, इसका मान होगा बी डैश ए डैश, इसका मान होगा ए डैश बी डैश। ठीक है, अब ऊपर लिखा है ए डैश ए के बराबर है, बी डैश बी के बराबर है, यहाँ हो जाएगा बी ए, यहाँ हो जाएगा ए बी, तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका, माइनस इन कॉमन ले लो तो ए बी माइनस बी ए। तो इसका अर्थ क्या है, ए बी माइनस बी ए बराबर क्या आ रहा है, इसका डैश माइनस के ए बी माइनस बी ए के बराबर आ रहा है, इसलिए क्या है, विषम सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे वाला कर रहे हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि अब ये बी डैश ए बी सममित है अथवा विषम सममित है, यदि ए सममित और विषम सममित है। यानी आपको ये बताना है कि सिद्ध कीजिए कि अब ये बी डैश ए बी सममित और विषमित दोनों है। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, देखो पहले बी डैश, सवाल नंबर 2, बी डैश ए बी दिया गया है। ठीक है, इसका क्या निकालो, आप पहले परिवर्तन निकालो, तो यहां हो जाएगा ए बी डैश, ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ध्यान करना, देखो बी डैश ऐसा कुछ लिखा है, तो इसका मान क्या होता है, वापिस बी हो जाता है। देखो परिवर्त मैट्रिक्स का और परिवर्त मैट्रिक्स निकालोगे ना, तो इसका मान किसका आ गया, बी आ जाएगा। देखो यहाँ, ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए बी डैश निकाला, तो ए यहाँ क्या आ जाएगा, देखो बी डैश ए डैश और ये आ जाएगा बी। ठीक है, अब इसके बाद में लिखेंगे आगे बी डैश ए डैश और बी, बी डैश ए डैश और बी।
अब यहाँ देख सकते हैं ए समित मैट्रिक्स है, ऊपर लिखा है ए समित मैट्रिक्स है, तो ए डैश किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। विषम समित होता तो यहाँ माइनस लिख देते, ठीक है। ए डैश बराबर ए क्यों है, क्योंकि ए लिखा है समित मैट्रिक्स है, समित अवयव है। ठीक है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा बी डैश, ठीक है, ए और बी आ जाएगा। ये आप देख सकते हो बी डैश ए, बी डैश किसके बराबर है, देखो बी डैश ए बी के बराबर है। अगर माइनस आता तो विषम समित हो जाता, लेकिन प्लस आ रहा है इसलिए ये क्या है, आगे लिख सकते हो बी डैश ए बी समित है, ये हो गया। देखो अब इसके बाद हमें क्या बताना है, विषम समित बताना है। देखो ए बी डैश ए बी विषम समित अवयव है, तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको बी डैश अपनी जगह रख दो, ए बी यहां रख दो, इसका डैश लिख दो आगे, तो यहां हो जाएगा देखो ए बी डैश सेम का सेम होगा, ए बी डैश होगा और आगे आ जाएगा बी, ठीक है। इसको हो जाएगा बी डैश ए डैश और आगे बी। अब यहां देख सकते हो ए डैश बराबर क्या लोगे यहां पर, माइनस ए। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि ए क्या दे रखा है, विषम समित मैट्रिक्स है, ठीक है। प्रश्न में दिया गया पहले था ए विषम समित मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहां आ जाएगा बी डैश, ठीक है, माइनस का ए लिख दो और बी लिख दो, तो मान आ गया माइनस का। अब यहां देख सकते हो ये बी डैश ए बी किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है देखो यहां पर माइनस बी डैश ए बी के बराबर आ रहा है, इसलिए यहां क्या इसका क्या अर्थ है, इसलिए अर्थ इसका बी डैश ए बी क्या है, विषम समित मैट्रिक्स है। माइनस बराबर आ रहा है तो इसलिए क्या है, विषम समित अवयव है, अवयव है, मैट्रिक्स है। दोबारा देख लेते हैं इस प्रश्न को एक बार, यहां पर हमें क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि बी डैश ए बी समित और विषमित दोनों है, और यदि ए समित अथवा विषम दोनों है, ठीक है। यहां पर ए समित भी है और विषम समित भी है, तो पहले क्या करेंगे, देखो पहले समित को मान कर हल करेंगे, बाद में ए को विषम मानेंगे। तो सबसे पहले बी डैश ए बी का परिवर्त मैट्रिक्स लिखेंगे ना, तो यहां क्या माना जाएगा, देखो ए बी पहले ए बी का डैश और बाद में ये देखो बी डैश पर डैश आएगा, तो इसका मान देखो या यहां पर बी आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मान क्या होगा, बी डैश ए डैश होगा और बी लिख दो आगे। अब ए डैश बराबर ए क्यों है, क्योंकि ये समित अवयव मैट्रिक्स है, तो यहाँ ए की जगह ए लिख दिया तो बी डैश ए बी आ गया। अब यहाँ देख सकते हैं बी डैश ए बी का परिवर्त मैट्रिक्स बी डैश ए बी के बराबर है, इसलिए ये समित मैट्रिक्स है। अब उसके बाद विषम समित कैसा करेंगे, देखो यहां तक सेम ऐसे लिखेगा, अब यहाँ सेम ऐसे आएगा। अब ए डैश बराबर ए क्यों आएगा, क्योंकि ए विषम समित है, तो ए डैश बराबर ए आता है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ क्या हो जाएगा, बी डैश लिख दो, यहाँ माइनस का ए हो जाएगा, अगर बी डैश सेम आ जाएगा तो बी डैश ए बी विषम समित क्यों है, क्योंकि बी डैश ए बी का परिवर्त मैट्रिक्स किसके बराबर है, माइनस के बी डैश ए बी के बराबर है, इसलिए क्या हो गया, ये दोनों समित भी है और विषम समित भी है, ये जांच हो गया है। आगे सवाल नंबर कर रहे हैं हम तीन नंबर, सवाल नंबर तीन, तीन में दिया गया है एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो यदि मैट्रिक्स ए बराबर दिया गया है, मैट्रिक्स दी गई है यहां 0 2 y z, ठीक है। आगे दिया गया है एक्स वाई माइनस जेड, और उसके बाद में आगे दिया गया है एक्स माइनस वाई जेड, और इसके बाद में आगे दिया गया है ये संतुष्ट किसको करता है, ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है, ए डैश ए बराबर आई, तो ए डैश को ऐसे गुणा कर लेना, पहले ए डैश याद कर लो, पहले इसका ए डैश आ जाएगा देखो 0, यानी परिवर्त मैट्रिक्स या एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और जेड गुणा करेंगे, देखो इसको ए डैश फिर से गुणा करेंगे ए से गुणा करेंगे, तो पहले आप क्या लिख लो ए डैश ए लिख लो, ए डैश को ए से गुणा करेंगे। ए डैश में देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ,
ठीक है, ये देखो जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, यहां लिख दो आप जीरो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहला आ जाएगा जीरो, बाद में क्या होगा देखो एक्स वाई, और बाद में क्या आएगा माइनस एक्स वाई, उसके बाद में पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहले जीरो, बाद में क्या होगा माइनस का होगा देखो जेड एक्स हो जाएगा, माइनस का एक्स जेड, और आगे प्लस का एक्स जेड, उसके बाद में लेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पहले देखो जीरो आएगा, बाद में एक्स वाई होगा, बाद में माइनस एक्स वाई, गुणा करते देखो ये जीरो हो जाएगा, ये एक्स वाई और माइनस एक्स वाई, यानी दो जीरो माइनस एक्स वाई, और उसके बाद में माइनस एक्स वाई हो जाएगा, उसके बाद में दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो ये पहले क्या आएगा, पहले आएगा यहाँ चार वाई स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद में आएगा प्लस का वाई स्क्वायर आएगा, और प्लस का वाई स्क्वायर, ये देखो गुणा चार वाई स्क्वायर, ये वाई और प्लस वाई स्क्वायर आ गया, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहले यहाँ क्या होगा देखो माइनस का होगा टू वाई जेड, और बाद में होगा प्लस का हो जाएगा टू वाई जेड हो जाएगा, देखो ये हो गया, यहाँ प्रश्न में दे रखा है टू वाई दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा टू वाई जेड, ठीक है, और यहाँ होगा माइनस का वाई जेड और माइनस का वाई जेड, ठीक है। अब उसके बाद में क्या लिखेंगे देखो, बाद में हो जाएगा तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, पहले जीरो होगा माइनस एक्स से जोड़ोगा माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स जेड, यहाँ होगा जीरो माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स जेड, पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ क्या होगा देखो यहाँ पहले हो जाएगा माइनस का टू वाई जेड, प्लस का टू वाई जेड हो जाएगा, बाद में होगा माइनस का वाई जेड और माइनस वाई जेड, यहाँ लिख दो माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड, उसके बाद में आगे लिखेंगे तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ पहले क्या होगा, पहले होगा जेड स्क्वायर, वापिस क्या होगा प्लस जेड स्क्वायर होगा और प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो तीनों बातें हो गई है, उसके बाद में इसका आंसर क्या आएगा देखो ए डैश ए का मान क्या आ जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं ए डैश ए बराबर टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर भी जीरो, ये आ जाएगा छः वाई स्क्वायर आ जाएगा, आगे यहाँ पर भी जीरो जीरो, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर थ्री जेड स्क्वायर, ये ए डैश ए का मान हो गया। अब ये संतुष्ट किसको करता है, ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है, तो ए डैश ए का मान हमने याद कर लिया है, तो यहाँ लिख दो ए डैश ए बराबर में आई दिया गया है, तो ए डैश ए का मान ये लिख लो, यानी टू एक्स स्क्वायर जीरो और जीरो जीरो और छः वाई स्क्वायर जीरो 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 थ्री जेड स्क्वायर और आगे लिख दो यहाँ पर आई, आई का क्या है इकाई मैट्रिक्स, यहाँ जीरो ये लिख दिया, इकाई मैट्रिक्स लिख दिया, अब यहाँ पर क्या होंगे संगत, अभी बराबर कर दो टू एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक, यहाँ लिख दो टू एक्स स्क्वायर बराबर एक, एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा प्लस माइनस एक्स का मान प्लस माइनस एक बटे रूट दो, उसके बाद में देखो सारा जीरो बराबर है, ये हो जाएगा छः वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा छः वाई स्क्वायर बराबर एक, तो वाई का मान आ जाएगा प्लस माइनस एक बट्टे रूट छः, आगे थ्री जेड स्क्वायर बराबर में देखो एक है, तो जेड का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस एक बट्टे रूट तीन, यही देखो इसका आंसर है, ये यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड तीनों के मान ज्ञात किए हैं। आगे सवाल नंबर करते हैं चार, चार में क्या लिखा गया है x का मान ज्ञात करो, सवाल नंबर चार x का मान ज्ञात करना है, यहां दिया गया है एक दो एक, आगे दिया गया है एक दो जीरो, एक दो जीरो, दो जीरो एक, और लास्ट में दिया गया है एक जीरो दो,
और आगे दिया गया है 0 2 x, 0 2 x, ठीक है, और बराबर में लिखा है 0। तीनों गुणा करना है, ठीक है। अब पहले देख सकते हैं, देखो इसकी कोटि क्या होगी, इसकी मैट्रिक्स कोटि क्या है, इसकी कोटि है 1 × 3, इसकी कोटि क्या है देखो 3 × 3, 3 × 3, अब देख बराबर है, और नई मैट्रिक्स क्या बनेगी 1 × 3 कोटि की बनेगी, यानी एक तो क्या होगी पंक्ति होगी और तीन होंगे स्तंभ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, गुणा करते हैं पहले इसको, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो आ जाएगा 1 + 4 + 1, 1 + 4 + 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 + 0 + 0, 2 + 0 + 0, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0 + 2 + 4, 2 + 1, 0 हो जाएगा बाद में, 2 हो जाएगा बाद में, हो जाएगा 2, और आगे लिखा यहां 0 2 x, और यहां लिखा बराबर में 0, ये यहां पर 6, यहां पर 2 और यहां पर 4, अब यहां 0 2 x लिखा गया है और बराबर में लिख दो 0। अब ये इसको भी गुणा करेंगे, देखो इसको गुणा कैसे करेंगे, कोटि कितनी है, देखो इस मैट्रिक्स की कोटि आ रही है 1 × 3, 3 × 1 आ रही है, इसकी कोटि आ रही है 1 × 3, इसकी आ रही है 3 × 1, ये समान है देखो, तो नई मैट्रिक्स बनेगी 1 × 1 कोटि की, पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, यहां पहले आ जाएगा 0 बाद में 4 और बाद में 4x बराबर में 0, तो 4x का मान आ जाएगा -4, x का मान आ जाएगा -1, यही देखो इसका आंसर है, x का मान आ जाएगा -1 आ जाएगा। आगे सवाल नंबर कर रहे हैं 5 नंबर, पांच में लिखा गया है a बराबर 3 1 - 1 और 2, और इसमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि a² - 5a + 7i = 0, ठीक है, ये यहां पर सिद्ध करना है, तो पहले क्या लिख लो आप, ए स्क्वायर का मान लिख लो, यहां पर ए स्क्वायर ज्ञात कर लो, ए स्क्वायर हो जाएगा 3 1 - 1 2, आगे वापिस देखो 3 1 - 1 और 2, गुणा करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 9 - 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 + 2, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -3 और -2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 + 4, यह मान आ जाएगा 8 5 - 5 और 3, ये किसका मान आ गया है, ए स्क्वायर का मान हमने याद कर लिया है। उसके बाद में क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मान यहां लिख लिया है, ए स्क्वायर का मान यहां लिख लिया है, अब एलएचएस लिख लो, एलएचएस बराबर, एलएचएस में देखो ए स्क्वायर है बाद में आगे माइनस का 5a है बाद में प्लस का 7i है, तो यहां लिख लो ए स्क्वायर का मान आपके पास में है माइनस का 5, ए का मान आप यहां लिख दो, प्लस 7 लिख दो, और एक ही मैट्रिक्स लिख दो, ए स्क्वायर का मान 8 5 - 5 और 3, ए का मान है 3 1 - 1 2, बराबर आ जाएगा 8, ये 5, ये -5 और ये 3, ठीक है। उसके बाद में यहां आ जाएगा -15 + 15 बाद में 5 बाद में -5 और ये 10, 7 से गुणा करेंगे आएगा 7 0 0 7, ठीक है, रख लेते हैं देखो +8 + 7 15 हो रहे हैं और -15 हो रहे हैं 0, 5 और -5 0, -5 और ये +5 हो रहे हैं 0, ये 3 और 10 हो रहे हैं और -10 क्या आ रहे हैं 0, बराबर है, इसलिए क्या लिख दो आप LHS बराबर में RHS, ये देखो 0 बराबर ही होगी, तो LHS किसके बराबर आ गया है, RHS के बराबर,
आगे सवाल नंबर करते हैं 6 नंबर। तो सवाल नंबर जो 6 प्रश्न में दिया गया है वो देखो, आगे सवाल नंबर हमने इसे जस्ट पीछे किया है सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 6 जैसा है वैसा ही लिखा गया है, तो इस प्रकार ही करना है। आगे करते हैं सवाल नंबर 7 करते हैं, 6 को कर सकते हो आराम से आप, 7 नंबर कर रहे हैं। 7 नंबर में क्या लिखा गया है, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई जेड का उत्पादन करता है जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है, वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। बाजार दे रखा है, उत्पादन दे रखा है, बाजार फर्स्ट का दे रखा है उत्पादन 10,000, 2,000, 18,000, सेकंड का दे रखा है 6,000, 20,000, 80,000। ए में क्या लिखा है, यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई या विक्रय मूल्य क्रम से RS 2.50, RS 1.50 और RS 1 हो तो प्रत्येक बाजार में कुल आय बीजगणित की मैट्रिक्स बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। और बी लिखा, यदि उपयुक्त तीनों वस्तु में प्रत्येक लागत दे रखी है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले आप लिख दो माना एक पंक्ति, पहले आप लिख सकते हो माना पहली पंक्ति है जो ए बराबर एक ही लिख दो, 10,000 दे रखा है, 20,000 और 18,000 ये एक बराबर दो। ठीक है, वार्षिक बिक्री बाजार एक को दिखाता है, लिख दो माना ए बराबर दे रखा है 10,000, 2,000, 18,000, 10,000, 2,000, 18,000 दिखा है, ये किसको दिखा रहा है, ये लिख दो आप, वार्षिक बिक्री बाजार एक को दिखाता है, वार्षिक बिक्री बाजार एक को दिखाता है, एक को दिखाता, ठीक है। और उसके बाद बी बराबर लिख लो एक और, बी बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है 6,000, 20,000, 8,000 तथा बी बराबर 6,000, 8,000, 10,000, ठीक है, ये लिखा है 6,000, 20,000, 8,000, 6,000, 20,000 और 8,000 यहाँ पर है, 6,000, 20,000 और 8,000, ठीक है। ये वार्षिक बिक्री, आगे लिख दो वार्षिक बिक्री, वार्षिक बिक्री बाजार दो को दिखाता है, ये दो दिया है, बाजार सेकंड लिख लो, बाजार सेकंड को दिखाता है, ये फर्स्ट को दिखाता है ऊपर वाला और नीचे वाला सेकंड को दिखाता है। उसके बाद में अब इसका एक क्या देखो दे रखा है, पहले एक करते हैं, देखो सातवें का ए, ए में लिखा है एक्स वाई जेड प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य दे रखा है 2.5, 1.50 और 1 रुपए है, तो प्रत्येक बाजार कुल आय क्या होगी। ठीक है, तो पहले क्या लिख दो आप, माना सी बराबर लिख दो, इसको स्तंभ के रूप में लिख दो क्योंकि वो पंक्तियां लिखी है तभी गुणा होगा, देखो ये लिख दो 2.50, ठीक है, बाद में दे रखा है उसके बाद में 2.50, 1.50 और उसके बाद में लिखा है 1.00, ये सी को लिखा गया है। और उसके बाद में आप अब पहले क्या ज्ञात कर लो, आप एस सी ज्ञात करो, बाद में बी सी एन गुणा कर लो, ए को सी से गुणा कर लो, बी को सी से गुणा कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख दो कुल आय बाजार फर्स्ट से, तो हो जाएगा एस सी बराबर कुल आय फर्स्ट से क्या होगी, देखो तो ये ध्यान है, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, गुणा करते हैं पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, 10,000 गुणा करेंगे 2.5 से तो ये क्या आएगा, ये आएगा 25,000 आ जाएगा, यहाँ लिख दो 25,000, 20,000 को गुणा करेंगे 1.50 से तो आ जाएगा 3,000, 18,000 को गुणा करेंगे 1 से 18,000 आ जाएगा, तो इसका बराबर आंसर क्या होगा, देखो 18 और 3 21 हो गए और ये कुल कितने आ जाएंगे, कुल आ जाएंगे यहाँ पर 21 और 25, ये आ जाएंगे
46,000 आ जाएंगे, तो यहाँ लिख दो आप 46,000, 46,000 रुपये किसके आए हैं, कुल आय बाजार एक से प्राप्त हुई है। उसके बाद में लिख लेते हैं आगे कुल आय बाजार से किन्स है, कुल आय बाजार से किन्स है, यह आ जाएगा बीसी बराबर, लिख लो बीसी बराबर 6,000 गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा ये 6 को 2 से 12 और आगे और 3, यह आ जाएगा 15,000 प्लस 20,000 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30,000, 18 गुणा 8 गुणा करेंगे 108,000 आएगा, तो इसका मान कुल कितना आ जाएगा बराबर में आ जाएगा ये 15 और 30 45 8 आ जाएगा 53,000। क्या आ गया 53,000 रुपये किसका आया, ये एसी का पूरा बाजार आया है। अब आगे देखो बी ज्ञात करते हैं, बी में क्या लिखा गया है, यदि उपयुक्त तीनों वस्तुएं की प्रत्येक इकाई की लागत देर की है, ठीक है, यानी डी क्या लिख दो आप है? लागत लिख दो, तीनों प्रत्येक इकाई की लागत है डी बराबर, तो लिख दो लागत, यानी डी किसको बता रही है, लागत को बता, डी बराबर लिख दो, इसको भी आप इस प्रकार मैट्रिक्स के रूप में भी लिख दो, तो डी क्या दे रखा है लिख दो, देखो 2 दे रखा है, 1 दे रखा है और 50 दे रखा है, यहाँ दे रखा है 2 या 1 और यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ रुपये में देखिए 2 रुपये 1 रुपये और आगे 0.50 रुपये, यानी 50 पैसे हो गया। अब पहले पहले क्या निकालो आप, पहले निकालो एडी बराबर, एडी एडी किसको बताएगी, लागत को बताएगी, ठीक है, एडी क्या बताएगी, फर्स्ट है कि लागत क्या होगी बताइए देखो, ठीक है, तो आप लिख दो लागत है बाजार परसेंट, ये तो आई है और ये लागत है, तो लागत बाजार एक से लागत कितनी हो जाएगी, गुणा करना इसको देखो, ये आ जाएगा 10,000 को 2 से गुणा करेंगे 20,000 आ जाएंगे, यानी लिख दो 20,000 प्लस 2,000 को 1 से गुणा किया 2,000 प्लस 9,000 गुणा करेंगे, ये कितना आएगा देखो 20 तो 22 31,000 आ जाएगा, तो इसमें लाभ कितना होगा, लाभ बराबर में लागत, कुल आय कितनी थी देखो, कुल आय थी 46,000, कुल आय बराबर थी 46,000 माइनस 31,000, तो इसका आंसर आ जाएगा 15,000 रुपये, प्रथम में हमें लाभ हो रहा है 15,000 रुपये का। उसके बाद में लागत बाजार सेकंड्स है, यानी बाजार सेकंड की लागत लिख लो, बाजार लागत बाजार सेकंड है, यानी सेकंड लागत कितनी है, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके ये बी है और डी, बी डी ज्ञात कर लो, बी डी बराबर, बी डी में कैसे लिखेंगे देखो 6,000 को 2 से गुणा किया यहाँ आ जाएगा 12,000 प्लस 2,000 को 20,000 को 1 से गुणा करेंगे 20,000 प्लस 8 को गुणा करेंगे 0.5 4,000 आ जाएगा, अब इनको जोड़ दो ये कितना आ गया देखो, ये आ गया 20 12 32 और 4 37,000 हो गए, 37,000 हो गए, ये कुल लागत है, तो इसमें लाभ कितनी आ जाएगी, आगे लिख दो लाभ बराबर, लाभ का मान कितना आ जाएगा देखो, लाभ 53,000 माइनस 36,000, 53,000 में से 36 घटाएंगे तो यहाँ लिख दो 53,000 माइनस 36,000, आंसर इसका क्या आ जाएगा 17,000 रुपये, ये क्या है देखो इसका आंसर है, तो ये हमने पूरा प्रश्न कर लिया है। तो पहले क्या लिखना आपको, माना ए बराबर 10,000 2,000 18,000 वार्षिक बिक्री बाजार ए को दिखाता है और बी बराबर 6,000 20,000 8 वार्षिक बिक्री सेकंड को दिखाता है। अब ए में क्या लिखा है, लागत के कुल आय की दी गई है, ए माना सी बराबर लिख दो, ये कुल आय दी गई है, तो अब लिख दो कुल आय बाजार एक से गुणा करेंगे, ये बिक्री है गुणा करेंगे इसे कुल आय आ जाएगी, तो यह आएगा 46,000 कुल आय बाजार सेकंड से, इसको दूसरे गुणा करेंगे इसे यानी बी सी, ये आ जाएगी आपके 53,000 आ गया। अब उसके बाद में यह तो आ गया ए और ए का फर्स्ट और सेकेंड कुल आय निकाल लिए, अब आगे बी में पूछा गया है इसकी लागत ज्ञात करनी है, लागत एक देर की है 2 1 0.50 यानी 50 पैसे देर की थी, तो लागत बाजार फर्स्ट से कितनी आएगी, इसको इसे गुणा कर लेंगे तो 20,000 2,000 9,000 31,000 रुपये आ जाएगी, तो लाभ कितना हो गया, कुल आय थी 46,000 इसमें से ये इतना लागत हो गई है, तो कुल आय कुल लाभ कितना हुआ है 15,000 रुपये का, लागत बाजार सेकंड से, तो आप लिख दो बी, डी कहाँ है देखो बी, ये डी
तो गुणा करेंगे 12,000, 20,000 और 4,000 36,000 आएगा। अब देखो लागत बाजार सेकंड से कुल आय 53,000 हो रही है और लागत 36,000 है, तो शेष क्या बचेगी 17,000। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड का लाभ हो गया है। ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है। आगे सवाल नंबर करते हैं हम 8 नंबर। आठ में क्या लिखा गया है, आई वी एक्स ज्ञात करो, मैट्रिक्स एक्स ज्ञात करनी है। यहां लिखा है एक्स, एक्स आपको यहां मैट्रिक्स ज्ञात करनी है, और यहां लिखा गया है 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद आगे लिखा है 4 5 6, 4 5 6 बराबर -7 -8 9, -7 -8 और 9। उसके बाद में आगे लिखा है 2 4 6, 2 4 और 6, ठीक है। अब यहां एक बात देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स एक्स बनेगी वो क्या बनेगी, देखो 2 × 2 कोटि की बनेगी। कैसे बनेगी मैट्रिक्स 2 × 2 कोटि कैसे बनेगी, क्योंकि इसमें पंक्तियां कितनी है, 2 है। इसमें अगर स्तंभ 2 होंगे ना तब ये गुणा होंगे, ऐसे गुणा नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें यानी इसकी पंक्तियां, इसकी पंक्तियां और इसके स्तंभ बराबर है, ठीक है, तभी क्या होगा, इसके स्तंभ और इसकी पंक्तियां, इसमें स्तंभ कितने हैं देखो 2 है और इसमें पंक्तियां कितनी है, 2, समान है, तभी क्या हो सकते हैं गुणा। तो एक बात ध्यान हो गया कि इसके अंदर गुणा, इसके अंदर 2 तो स्तंभ है, एक्स में 2 क्या है, स्तंभ है, ठीक है, और पंक्तियां कितनी है, पंक्तियां भी होगी यहां पर 2। तो पंक्तियां 2 होने के कारण एक्स बराबर मान सकते हो आप ए बी सी डी, इस प्रकार का ये मैट्रिक्स आएगा। देखो यहां लिख दो मानना, ठीक है, तो एक्स आप लिख दो यहां पर ए बी सी और डी। अब देख गुणा देव संभव है, 1 2 3 4 5 6 बराबर में लिख दो -7 -8 और 9, 2 लिख दो 4 लिख दो 6 लिख दो। अब गुणा कर लेंगे इनको, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहां पर क्या आ जाएगा देखो a+4b, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2a+5b, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3a+6b, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ c+4d, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2c+5d, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3c+6d, पूरा लिख लिया है यहां पर 3c+6d बराबर में यहां -7 -8 और 9, यानी तो 2 4 और 6 ये लिखा गया है। अब क्या करेंगे इनको हम गुणा बराबर रख देंगे, देखो आंसर आ जाएगा, देखो तो a+4b - 7 के बराबर है, लिख दो a+4b = -7, ये समीकरण 1। उसके बाद में 2a+5b किसके बराबर है, ये -8 के बराबर है, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 हल कर लो, आपको किसका मान प्राप्त आ जाएगा, देखो ये वैसे आप समय लिख सकते हो आगे, और इसमें जब कुछ समय बनेंगे तो आप आगे लिख दो 3a+6b = 9, ये समीकरण 3। आगे c+4d = 2, ये समीकरण है 4। 2c+5d = 4, ये समीकरण 5। 3c+6d = 6, ये समीकरण 6। समीकरण 1 और 2 क्या करो आप विलोपन से हल कर लो, इसको 2 से गुणा करो, गुणांक समान आ जाएंगे, तो यहां आ जाएगा 2a+5 + 8b आ जाएगा, 8b = -14, और ये देखो 2a+5b = -8 है, हल करो इसको या चिन्ह चेंज करो, ये माइनस और ये प्लस कट गया। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3b = -6, तो b का मान आ जाएगा -2, b का मान -2 आ गया है, b का मान अब यहाँ रखेंगे ना तो a का मान आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा a, यहाँ क्या आएगा देखो, यहाँ आएगा -8 = -7, तो a का मान आ जाएगा -7 + 8, यानी a का मान आ जाएगा आपके 1। a बराबर 1 है और b = 2 है, b =
माइनस दो, ए बराबर एक, बी बराबर माइनस दो, ये दो मान ज्ञात कर लिए। देखो अब आगे एक और ज्ञात करते हैं, वो आगे सी और डी वाला। तो सी और डी कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आप कौन से दो समीकरण ले लो आराम से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है चलो ये थे समीकरण, देखो ये पांच और चार लेते हैं, तो पांच और चार में गुणांक समान कैसे करें, इसको दो से गुणा कर दो, यानी यहाँ आ जाएगा दो सी, यहाँ आ जाएगा आठ डी बराबर चार। ठीक है इसको समीकरण सात लिख दो, इसको मैंने दो से गुणा कर दिया है, गुणांक समान हो गए, यहाँ लिख दो दो सी प्लस पांच डी बराबर में चार, ये कौन समीकरण कौन सा आ गए, समीकरण है पांच। ठीक है अब क्या करेंगे, देखो इसका आगे गुणांक समान कर लेंगे, तो गुणांक समान करेंगे तो गुणांक समान है वो सी सी हो गया, चिन्ह कर दो माइनस माइनस और माइनस कर दिया, तो ये आएगा थ्री डी बराबर में जीरो, डी का मान क्या आ गया है जीरो, डी का मान वापस यहाँ रख दो या नीचे कहीं रख दो जाए, तो यहाँ आ जाएगा दो सी प्लस ये जीरो बराबर चार, तो सी का मान क्या आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा चार बटे दो यानी दो। अब देख सकते हो सी का मान भी कितना आया है, दो आया है, डी का मान आया है जीरो और ए का मान एक और बी का मान माइनस दो, ये देखो सारे मान हमने ज्ञात कर लिए, आठ ऑप्शन कंप्लीट हुआ। उसके बाद में आगे करते हैं सवाल नंबर नौ, नंबर नौ, नौ में क्या लिखा गया है, ए बराबर दिया है अल्फा बीटा या माइनस का गामा और अल्फा दिया गया है। ठीक है गामा प्लस का माइनस का अल्फा दिया गया है और ए स्क्वायर बराबर दिया गया है आई। अब यहां पर हमें ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर है तो ए बराबर क्या दे रखा है, ए दे रखा है, आगे बी ऑप्शन भी दे रखा है, सी दे रखा है और डी भी दे रखा है। ए में दे रखा है ए प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर जीरो, बी में दे रखा है एक माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर जीरो और एक माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा गामा बराबर जीरो, डी में दे रखा है एक प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर जीरो। ठीक है अब यहां पर क्या करते हैं, देखो ए स्क्वायर पहले याद कर लेते हैं, तो लिख दो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर में अल्फा बीटा और यहां गामा और माइनस अल्फा, और लिख दो अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, ये यहां पर क्या याद करेंगे हम दोनों गुणा कर लेंगे, तो गुणा इसमें क्या आएगा, देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहले क्या आ जाएगा, देखो यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस पहली पंक्ति बीटा गामा आ जाएगा आगे, प्लस लिख दो आगे बीटा गामा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहां क्या आएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, यहां क्या आएगा अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, ये देखो जीरो कट जीरो हो जाएगा, आगे लिख दो माइनस का पहला आ जाएगा अल्फा बीटा गामा बीटा, यानी तो बीटा गामा लिख दो, बीटा गामा प्लस का लिख दो अल्फा स्क्वायर, ये देखो ऐसा कुछ आएगा बड़ा, और ये मान हो गया, इसलिए यहां क्या बचेगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ जीरो जीरो और ये भी यो बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ऐसा कुछ दिया गया है। अब यहाँ प्रश्न में दिया गया है ए स्क्वायर बराबर आई हो, तो यहाँ ए स्क्वायर का मान रख दो आप, ए स्क्वायर का मान अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ जीरो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और बराबर में क्या लिखा गया है, बराबर में लिखा है ये इकाई मैट्रिक्स हो जाएगा एक जीरो जीरो और एक। अब देख सकते हैं किसके बराबर है, देखो देख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर एक। अब पहले ऑप्शन में क्या देखो प्लस में, तो पहले वाला तो होगा नहीं, ठीक है ये तो गलत होगा, दूसरा वाला माइनस अल्फा स्क्वायर, दोनों को भेजेंगे दोनों ही माइनस के होंगे इसलिए दूसरा पॉइंट भी गलत होगा, तीसरे में दोनों को उधर एक ही तरफ भेजेंगे माइनस का होगा ये भी गलत हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या होगा चौथा, यानी ए को एक ही तरफ भेजेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और बीटा स्क्वायर भी बीटा गामा माइनस का हो जाएगा बराबर में क्या लिख दो जीरो, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा ये तीन नंबर हो जाएगा। आगे सवाल नंबर कर रहे हैं हम दस,
बस में क्या लिखा, यदि एक अव्यय समित और विषमित दोनों ही है तो क्या होगा, एक समित है, मान लो जिस प्रकार हम ए लेते हैं, प्रश्न में दे रखा है ए समित भी है विषम भी, विषम समित भी है, सवाल नंबर 10। ठीक है, अगर समित है तो क्या होगा, ए डैश बराबर ए होगा, विषम समित है तो ए डैश बराबर क्या होगा, माइनस का है, जवाब लिख दो ए समित मैट्रिक्स है, समित अवयव है और ए विषम समित अवयव है। लिख लिए, अब ये देखो समीकरण एक लिख दो, इसको दो लिख दो, समीकरण देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, ए डेस आ रहा है, इसलिए ए बराबर होगा माइनस ए, ए प्लस ए बराबर क्या आ जाएगा, जीरो, टू ए बराबर जीरो, ए का मान क्या आ जाएगा, जीरो। अब देख सकते हैं यहाँ सही उत्तर किस में, देखो सही उत्तर में एक दे रखा है, विकर्ण मैट्रिक्स है, बी शून्य मैट्रिक्स है, हाँ ए बराबर क्या है, शून्य मैट्रिक्स, बी वाला सही है, तो 10 में का सही उत्तर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आगे सवाल नंबर कर रहे हैं 11वां लिखा है ए स्क्वायर बराबर ए हो, आगे लिखा है आई प्लस ए, आई प्लस ए की घात 3, माइनस का लिखा है 7, ए लिखा है किसके बराबर है। ठीक है, तो यहां क्या लिख दो, इकाई को मैट्रिक्स को आप क्या लिख दो, एक लिख लो, यहां उत्तर क्या आएगा, देखो इकाई उतने एक लिख दो, तो इसका मान आ जाएगा ए प्लस बी की घात 3, ए की घात 3, बी की घात 3, 3ab कोष्टक ए प्लस बी, यहां मान लेते जाओ ए की घात 3 ए आ जाएगा, बी की घात 3 ए की घात 3 लिख दो, बाद में 3ab, यहां एक है यहां ए है, तो 3a लिख दो और आगे 1 प्लस ए लिख दो, माइनस का 7 ए लिख दो, इसको आप लिख दो ए स्क्वायर और ए लिख दो, यहां आ जाएगा 3a आ जाएगा और वापस आ जाएगा 3a² और माइनस का 7a आ जाएगा। अब ये देखो किसके बराबर है, आप देख सकते हो ए स्क्वायर ए के बराबर है, यहाँ क्या रख दो ए आ जाएगा और यहाँ 3a आ जाएगा, ये किसके बराबर है, देखो ए के यहाँ 3a लिख दो, माइनस का 7a, ये ए स्क्वायर होगा, लेकिन ए स्क्वायर जगह ए रख दो, वापिस 3a लिख दो, प्लस 3a लिख दो, माइनस का 7a लिख दो, तो आ जाएगा a प्लस, कट गया, आंसर क्या आ जाएगा इसका, एक आ जाएगा। अब देखो सही उत्तर किस में है, एक यानी आई आ रहा है वापिस, यहाँ पर क्या आ रहा है, हमें एक लिखकर करना है, वापिस एक है, एक अर्थ क्या, यहाँ पर आई आ जाएगा, सही उत्तर क्या होगा इसका, सी हो जाएगा। इस प्रकार हमने सारी विविध प्रश्नमाला पूरी कर ली है और विविध प्रश्नमाला 3 के साथ में जाए 3 खत्म हो जाता है। आगे की वीडियो हम करेंगे प्रश्नमाला 4, वो सारणी करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।